हेलो फ्रेंड्स, मैं ओडिया अपडेट चैनल को आपमन को स्वागत। आज वीडियो रे जानिबा ओडिसा पुलिस रो नुवा सैलरी विषय रे। पूर्वर आपण माने जेतेले रिक्रूटमेंट पाउथले तो सेतेले आपण कॉन्ट्रैक्चुअल बा इनिशियल अपॉइंटमेंट रहउतला। इनिशियल अपॉइंटमेंट आपण माने सैलरी बहुत कम पाउथले। 6 इयर्स काम करि सारला परे इनिशियल अपॉइंटमेंट रे आपण को रेगुलर करा जाउतला। रेगुलर हला परे आपण को रेगुलर सैलरी मिलुतला। वर्तमान आपण माने जदि एई जो ओडिसा पुलिस रो कांस्टेबल भाव जदि आपण रिक्रूटमेंट पाइबे तहला आपण माने केते टका सैलरी पाइबे, इन हैंड आपण को हाथु केते टका सैलरी पाइबे, कंप्लीट डिटेल जानिबा एवं ए आपनकर ओडिसा रे जते सारा कांस्टेबल जो जॉब बाहर होची ते ताकु नै वीडियो टी रहिची। वीडियो टी को आरंभ रो शेष पर्यंत देखिबे जहा फल रे आपन माने किछि टा इन्फॉर्मेशन पाई पारिबे। तो एथिर आपनकर केते टका सैलरी पाइबे एवं गोटे जॉब को जते आपन अप्लाई करिबा त पूर्व आमे केते टका सैलरी मिलुची से विषय रे जानिबा निहाति आवश्यक। तो सेति पई वीडियो टी रहिची। तो वीडियो टी को आरंभ रो शेष पर्यंत देखिबे। तो चलंतु वीडियो टी आरंभ करिबा। तो देखंतु आपन माने दीर्घ 6 वर्ष रहला पर आपन माने रेगुलर होतले। वर्तमान जो आप रिक्रूटमेंट बाहर तो ये आप डायरेक्ट रेगुलर ही रेगुलर हो आपने सैलरी पाइबे बा रेगुलर सैलरी पाइबे। तो ये आप देखते ओडिशा बहुत सारा आपंकर डिफेन्स रही ओडिशा पुलिस आपको बहुत सारा विभाग रोचे कहीं देखो ओडिशा पुलिस मैंने ओडिशा पुलिस कहुए कि बहुत सारा विभाग रोचे काम अलग अलग रोचे आप काम अलग अलग देखो आईआरबी काम अलग डिस्ट्रिक्ट पुलिस काम अलग रोचे से फायरमैन राम अलग रोचे जेलवाड़ राम अलग रोचे। तो ये आपंकर जो डिफरेंट वर्कस रोचे आपंकर डिफरेंट विभाग रोचे। तो आज आम जानवा जो आपा पुलिस डिफरेंट विभाग रोचे कौ विभाग में आपड़ी जॉइन करेंगे केते टका सैलरी पाइबे। सो प्रत्येक विभाग सैलरी एका नुह कि आपंकर डिफरेंट रोचे सैलरी। तो आपड़ी गोटे जॉब को पकेबे जो विभाग को जिबे ताहले आपने केते टका सैलरी मिलिबो जानिबा निहाति आवश्यक। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो एथिर आपंकर मु दुईटी भाग रे विभक्त कर देइछि आपंकर ये ओनली आपंकर ओडिसा पुलिस रो कांस्टेबल जॉब विषय रे कहु जेथिर आपंकर कोनसे एसआई सुबेदार एमुनि सर्जेंट ए सब नाहंती केवल ये आपंकर कांस्टेबल। कांस्टेबल भाव जदि आपन रिक्रूटमेंट पाइबे केते टका सैलरी पाइबे। तो एथिर आपन देखंतु एथिर आपन मु दुईटी भाग रे विभक्त कर देइछि। ए गोटे भाग विषय प्रथम जानिबा या पर आमी ए दु आपंकर आ गोटे भाग रहिछि ये विषय मध्य जानिबा। एथिर आपन समस्ते कांस्टेबल ही रहिछन् जो आपन वर्तमान जे स्क्रीन रे देखुछन् सब कांस्टेबल जॉब ही। तो एथिर आपन देखंतु प्रथम आमे जानिबा ए जो आपन कांस्टेबल जॉब को ग्रुप रे आसुछि। तो एथिर आपन देखिबा एथिर आपन ग्रुप सी रे आसुछि ठीक अछि। ता सेते आपन पेमेंट रहुछि 5200 ग्रेड पे रहुची 2000 टंका। तो आपने जानीपारे इधर आप ग्रुप कौन रोच ग्रुप सी पेमेंट रोच 5200 ग्रेड आप 2000 टंका रोचे। तो सहित आपण देखो ये आप 5200 और 2000 ग्रेड पे रे कौ कौ विभाग आसूचे आपंकर ओडिशा पुलिस रो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल जब आपने जिबे ताल आपने जो पेमेंट 5200 ग्रेड पे 2000 पाइबे। सहित आप आईआरबी ठीक अच्छे ओएसएपी जीआरपी जो आप गवर्नमेंट रेलवे पुलिस रोचे सहित आप पीएमटी ठीक अच्छे पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट पीएमटी ड्राइवर जो रिक्रूटमेंट पाँच ये रोचे। ता सहित आपंकर ओआईएसएफ जो रोचे ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स ये आपंकर 5200 ग्रेड पे जाऊँच। आपंकर कमिश्नरेट पुलिस जहाँकि आप भुवनेश्वर कटक रही सहित आप कम्युनिकेशन कांस्टेबल ये आप रिक्रूटमेंट पाइबे तालोले आप 5200 ग्रेड पे आप 2000 टंका आप पाइबे। तो आप जानपारे तो वर्तमान आपंकर ये जो जी आपको कहली एर जब पूर्व जब आप रिक्रूटमेंट पाते इनिशियल अपॉइंटमेंट प्रथम सैलरी के 13500 टंका रोला और केवल आप बेसिक सैलरी ही पाते आपंकर कौन से प्रकार डीए कि आपर एचआर कौन से प्रकार एलोन्स आपने पा नुले जहाँकि आपंकर इनिशियल अपॉइंटमेंट रोते। वर्तमान जो आपंकर ओडिशा सरकार घोषणा करले समस्त एथिर आपन रेगुलर सैलरी पाइबे। वर्तमान जदि आपने जो विभाग गुड़िक आपने जॉइन करिबे जदि आपने रेगुलर सैलरी आपने केते टंका पाइबे से वर्तमान देखिबा। जदि आपने डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल आईआरबी ओएसएपी जीआरपी पीएमटी पीएमटी ड्राइवर ओएसएपी सॉरी ओआईएसएफ कमिश्नरेट पुलिस सहित आपंकर कम्युनिकेशन कांस्टेबल जदि आपने कांस्टेबल भाव आपने जदि जॉब करिबा आरंभ करिबे बाथिर आपने सिलेक्टेड होंती ताले आपनको सैलरी केते टंका मिलिबो। तो मु आपनको कहि रखे तो बहुत पिलांकर क्वेश्चन रहउछि कि भाई आपण माने जदि मु आज जॉइन करली आज ठारु आमको सैलरी मिलिबो कि बा आपनको नेक्स्ट मंथ रे मिलिबो। तो आपण माने जो दिन ठारु आपण माने जॉब रे जॉइन करले बा अपॉइंटमेंट जो दिन हरले सेही दिन ठारु आपनको सैलरी मिलिबो। आपण माने जदि एही मासर 16 तारिख रु आपण माने जॉब करले जॉब रे जॉइन करले माने आपण माने एही 16 तारिख रु एही जो मास एंडिंग रहइबो ए 15 दिन रो सैलरी आपनको निश्चय मिलिबो। तो आपण जानि पारले
तो ये आप प्रथम सैलरी के जो आपने जो 5200 और ग्रेड पे 2000 जब पाइबे आपर सैलरी के बेसिक सैलरी आपंकर आरंभ हे 21700 आप बेसिक सैलरी आरंभ हम ठीक अच्छे आप बेसिक कह जाए प्रत्येक वर्ष ये आप बेसिक चेंज हम प्रत्येक वर्ष आप इनक्रीमेंट रही आप जापारे तो जाना प्रथम आप प्रथम सैलरी सैलरी केत टा पाइबे तो ये आप दरमा अकाउंट रोक बेसिक आप 21700 टा रहा सहित एपंकर डीए मिल डीए कौन डीए है आप डीएनएस एलाउंस ये आप प्रत्येक वर्ष दुई थर मिले दुई थर आप सरकार घोषणा करती तो ये आपंकर प्रत्येक वर्ष ये आप चेंज हुए प्रत्येक छः मस डीएनएस एलाउंस चेंज हुए तो बर्तमान आप डीए के 34% रही मानने आपंकर आजिका डेट्रे आपंकर जो डेट रही आप आज डेट जदि आम देखा तो यदि आपन 3/11/2022 आजिका डेट्रे आप डीए रही ओडिशा 34% तो यदि आप 21700 डीए के मिल आपको 34% ये आप 7378 टाँग आपको मिलता सहित आपको एलाउंस मिल जेहेतु पुलिस विभाग में डिफेन्स जब्रे आपत प्रथम जॉइन करेंगे तो ये आपको ट्रेनिंग जावाक पड़ो तो ट्रेनिंग समय आपको कौन सी प्रकार एलाउंस कि हाउस रेंट मिले नहीं कहीं देखूँ आप ट्रेनिंग में थे आप घर रे कि तो आपंकर हाउस आपको एलर्ट हुए ना हाउस दि जाए ना कहीं आप प्रथम न्यूली आप जॉइन करेंगे जॉइन होगा आप ट्रेनिंग चलिए तो से हाउस व्यवस्था ना आप जिते आप ट्रेनिंग कम्प्लीट कर आसवे तापर आप एलाउंस मिल हाउस हाउस रेंट मिले आप हाउस रुहत आप हाउस रेंट मिल आपको जदि आप हाउस रही आपको हाउस रेंट मिल तो ये आपके टाँग सैलरी हम देखो प्रथम बेसिक है 21700 डीए है 7378 एलाउंस ये बर्तमान जीरो रही है आप जो ट्रेनिंग करके आसवे ये आप अप्रोक्सीमेटली 2500 टाँग ये एड हम ये आप छाड़ू ट्रेनिंग समय आपको कत सैलरी मिले सी बर्तमान आप जानते तो ये आप टोटाली आपला ग्रोस सैलरी आपंकर बेसिक है आप 21700 डीए है आप 34% तो टोटाली आप 29878 टाँचा है तो आपर सैलरी ग्रोस सैलरी के 29878 टाँचा आप कौन हुए गवर्नमेंट रु कि अमाउंट आप डिडक्शन हुए जहाँ कि बर्तमान आपंकर जीपीएफ ना आप पेंशन ना ये आप 2004-2005 पर आप सरकार द्वारा पेंशन को बंद कर एनपीएस लागू करनपीएस कौन नेशनल पेंशन सिस्टम जो रही एनपीएस ये आपंकर कौन हुए बेसिक एवं डीए रो 10% कटो ठीक अच्छे बेसिक एवं डीएर 10% कटो ये आपंकर रिटायरमेंट पर आपको पेंशन आकार मनी आपको मिले से आपको ये आप 10% कट काटती तो ये आप एनपीएस के कटो 21700 प्लस 7378 टाँचा 29878 टाँचार आपंकर 10% कटो कह पे और डीएर आप 10% कटो जब आप पे डीएर और 10% बाहर करेंगे तो आप 2908 हम तासे आपंकर पिटी कटो पिटी कौन पिटी आप प्रोफेशनल टैक्स रोच ये टैक्स आपंकर प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर 200 टाँचा कटो ठीक अच्छे टोटाल आपंकर ग्रोस है आप 29878 एनपीएस आप 2908 ता सहित आप पिटी 200 टोटाल आप 3108 टाँचा कटे आप 25970 टाँचा मैंने प्रथम दरमा आपंकर खाता को आसिबो केते टंका आसिबो 25970 टंका आपंकर खाता को आसिबो आपण माने जानि पारले जदि आपण माने डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल आईआरबी ओएसबी जीआरपी पीएमटी ओयूएसएफ कमिश्नरेट पुलिस ता सहित आपंकर कमिश्नरेट सॉरी कम्युनिकेशन कांस्टेबल जदि आपण माने कांस्टेबल रूपे आपण माने ड्यूटी आरंभ करिवे बा जॉब आरंभ करिवे ताले आपंकर प्रथम सैलरी आपण माने 25970 टंका आपण माने पाइबे तो दरमा आपंकर वृद्धि हला पूर्वर आपण माने केते टंका पाउथले 13500 टंका मात्र पाते बर्तमान आप 25970 टाँचा पाइबे तो आप जापारे तो बर्तमान आम जा सेम पोस्ट रोचे आपंकर देखो फायरमैन रोचर कनेस्टेबल भाव में निजुक्ति पाइबे सहित एक्साइज कनेस्टेबल ये आप कनेस्टेबल भाव में निजुक्ति पाइबे जेल वार्डर ए कनेस्टेबल भाव में निजुक्ति पाइबे रैंक आपंकर प्रायत सेम रोचे कि देखा पेमेंट रोचे आप 5200 किंतु आप ग्रेड पे 1900 आसी जाए 2000 आसूम आप ग्रेड पे के 1900 टाँचा आसूसी तो ये आपने जब पाइबे जदि आप फायरमैन कनेस्टेबल भाव जब करेंगे आप एक्साइज जब करेंगे जेल वार्ड में आदि आपर चाकरी होती आप प्रथम बेसिक सैलरी के
19,900 रु आपनकर बेसिक सैलरी आरंभ हो। ये आपंकर 21,700 रोच ये आपंकर 19,900 टाँचा रोच डिफरेन्स रोचे कि पोस्ट आपंकर इक्वाल ही रोबर आपंकर बेसिक के 19,900 डीए के रही है बर्तमान आप डेट डीए आप 34% रही 34% आप 6,766 टाँचा हो टोटाल आप एलाउंस एठार ये से आपको ट्रेनिंग समय कौन से प्रकार एलाउंस मिलना ना तो टोटाल आपंकर सैलरी के आपंकर ग्रोस सैलरी के 26,666 टाँचा आप ग्रोस सैलरी रोचे आपंकर एनपीएस कटो पूर्वर आपको कही बेसिक और डीए आपर एनपीएस 10% कटो तो ये आप 10% कार्ड दबा तो 10% काटा जब आपर एनपीएस के 2607 होता आप पीटी कटो ये आप समस्त गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कटो 200 टाँग कटो टोटाल आप 2807 तो टोटाल आपंकर डिडक्शन करवा आपंकर मूल सैलरी 26,666 आपको डिडक्शन 2807 तो टोटल सैलरी आपन केते पाइबे 23859 आपंकर सैलरी आपंकर नेट अमाउंट पाइबे पूर्वर जब आप प्रथम जॉब पाते से आपते पाते 13,300 जॉब आरंभ होता एटार आप 13,500 आप 13,300 आप जॉब आरंभ करते तो आप जापारे कौन आप जो आपर फायरमैन फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल जेल वार्ड जब आप जॉब आरंभ कर प्रथम मसर सैलरी आप 23,859 टाँचा आपो सैलरी आपे तो आपारे तो सैलरी बर्तमान आप वृद्धि हो सारी प्रत्येक वर्ष आप इनक्रीमेंट रोच प्रत्येक वर्ष आप जेहतु इनक्रीमेंट रोचे आप गोटे भल सैलरी पाइबे तो से सुजोग आसूब दीर्घ तीन रू चार वर्ष चारु पांच वर्ष आप रिक्रुटमेंट ना बर्तमान जो आप रिक्रुटमेंट आसो से रिक्रुटमेंट आपने सामिल हूँ और ये जो जॉब रोच जॉब को आपजोग को आपने हाथ छड़ा करूँ ना एथेर आप्लाय करूँ और निश्चय गोटे जॉब टी पात आपर मोटा आंकर सैलरी आपने जमारू हरातु ना तो जापारे फ्रेंड्स डिपार्टमेंट वाइज रे आपने को विभाग में आपंकर केते टंका सैलरी पाइबे तो आपने स्क्रीन रे बर्तमान देखिपारे यही सैलरी ही आपने पाथे यही सैलरी ही आपने पाइबे जदि आप कौन भाई रही डिपार्टमेंट आपने पचारिपारे यही सैलरी ही से तो आशा करुच्ची वीडियो माध्यम रे आपन कंप्लीटली डिटेल्स पाई सारे वीडियो टी आरंभ शेष पर्यंत देखिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो टी लाइक करेंगे शेयर करेंगे जो चैनल प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करदे जहाँफल आपने जॉब अपडेट सैलरी अपडेट डिफेंस अपडेट सर्वप्रथम पाइपारे जदि आपर कौन भी डाउट रोच सैलरी को लेकिन आप कमेंट बक्स में कमेंट करें तो फ्रेंड्स आज ये पुणी आसपा नुआ वीडियो धन्यवाद।